नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बना रहे हैं ओडिशा की मोस्ट मिठाई छाना ताड़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। छाना ताड़िया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और दूध को उबाल आने तक हम गर्म करेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो गया है तो इसको 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर। गरम गरम दूध के अंदर ही हम विनेगर डालेंगे, पर थोड़ा सा, मतलब गर्म होने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून विनेगर के अंदर 1 टीस्पून पानी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब 2 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रहने दें। 2 मिनट के बाद दूध जो है ऑटोमेटिकली जो है फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो दूध जो है फटना स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए इसका पानी अलग हो गया है, छन्ना अलग हो गया है। और आप इस प्रोसेस को नींबू से भी कर सकते हो। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू डाल करके इस तरह से आप दूध का छन्ना निकाल लीजिए। छन्ना थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम चाशनी प्रिपेयर कर लेते हैं। चाशनी के लिए 1 कप ही शुगर और 1 कप ही वाटर लिया है, और इसको 4 से 5 उबाल आने तक पका लेते हैं। जैसे ही 4 से 5 उबाल चाशनी में आ जाते हैं तो हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। आप चाहे तो चाशनी के अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हो, इससे इसकी जो स्माइल है वो बहुत ही बढ़िया आती है मिठाई की, और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर 4 से 5 उबाल आ गए हैं। इस तरफ देखिए छन्ना जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसके अंदर इसको हाथों से मिक्स करना है। अब ये थोड़ा सा आपको सूखा लग रहा है तो इसमें आप थोड़े से पानी के छींटे लगा सकते हो, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा, क्योंकि सिर्फ छन्ने से नहीं बनेगा। इसके अंदर मैंने लिया है 2 टीस्पून मैदा, और इसके अंदर आप थोड़ा पानी ज़रूर डालें क्योंकि नहीं तो ड्राई हो जाता है। ये मैंने डाला है 1 चुटकी खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, और 1 चुटकी इलायची पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि ये ड्राई हो गया है तो अभी हमें इसको डो की तरह करना है, तो थोड़ा सा पानी मैंने डालना, मैं आपको दिखाना भूल गई थी बीच में, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी यूज करके डो को अच्छी तरह से सांध लिया है। और इस तरफ घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं, और जो डो है ना उसको हमें हथेलियों से एकदम से चिकना कर लेना है। मैंने इसको हथेलियों से जो पंजा होता है उससे मसल मसल के बिल्कुल से चिकना कर लिया, और अब इस तरह से इसका शेप लगाएंगे। जैसे हम ढोकली बनाते हैं वैसा ही मैंने इसको गोल गोल शेप लगा दिया। इसके कॉर्नर थोड़े थोड़े फट रहे थे पर मैंने इसको इस तरह से सांध लिया है, और पकने के बाद बिल्कुल से परफेक्ट तैयार होते हैं। बहुत टेस्टी मिठाई है, आप एक बार बनाओगे तो आप वाह वाह करोगे। घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो देखिए 7 पीस यहाँ पे बड़ी बड़ी साइज़ की छन्ना ताड़िया बन करके तैयार हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो मैंने ये घी लिया है, यहाँ पे आप ऑयल पे भी फ्राई कर सकते हो। तो घी बिल्कुल हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए। गुनगुने गर्म घी में जितने आप इसके अंदर फ्राई कर सकते हो डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 पीस डाले हैं। 1 मिनट तक मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। 1 मिनट के बाद जैसे नीचे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम स्पून की सहायता से इनको पलट देंगे। तो आप देख सकते हो ना कितना बढ़िया सा कलर इनका तैयार हो रहा है। अपने गुलाब जामुन होने उससे बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन सुनहरा कलर आ गया है, और अब ये बिल्कुल से रेड कलर की हो गई है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और सीधा डायरेक्टली चाशनी में डिप करेंगे। पहले इसका जो एक्स्ट्रा तेल या जो घी है वो निकाल लेना है, और उसके बाद सीधा इसको आपको चाशनी में डालना है। चाशनी को मैंने गैस पे टिका दिया है ताकि चाशनी बिल्कुल से गर्म हो जाए। तो चाशनी में 1 उबाल ले लेना है छना ताड़िया डालने से पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उबाल आ गया, तो मैंने इसको मिठाई को इसके अंदर डाल दिया है।
अब क्या है, इसको चाशनी पीने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मिठाई जो है अच्छे से चाशनी पी करके तैयार हो जाएगी। जैसे ही 2-4 उबाल आए, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और अब ये बिल्कुल से परफेक्ट तैयार है। बाकी जो बच्चे हुए उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं और उसी तरह से चाशनी में मैंने डाल दिए। सभी हमारी मिठाई बन करके रेडी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।